देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ मथुरा वाला पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 लीटर दूध का खोया बना ली हूँ। खोया मैंने पहले भी अपने चैनल पर वीडियो डाला है, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। और अब मैं इसे पेड़े बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लूँगी वो देख लेते हैं। हम यहाँ 3 सामानों से ही बना रहे हैं। तो देखिए, पहला तो एक मेरा खोया हो गया और दूसरा हमारा इलायची का पाउडर। तो इलायची हम खड़ा लिए हैं, इसे 5 इलायची को हम कूट लेंगे और उसके पाउडर को डालेंगे। और यहाँ चीनी हमारा 100 ग्राम है। जैसे कि खोया हमारा 300 ग्राम निकला है तो चीनी हम 100 ग्राम ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो कम या अधिक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा घर का खोया है इसलिए ये तो अपने ही मीठा है, इसलिए हम कम चीनी का यूज कर रहे हैं। तो चीनी को हम इस तरह से नहीं डालेंगे, चीनी का हम तवार बनाएंगे जिसे भूरा भी कहते हैं। तो चलिए पहले बनाना शुरू करते हैं। देखिए, जिस कढ़ाई में हम खोया बनाए थे उसी कढ़ाई में डाल रहे हैं। इसे धोने का जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि इसमें तो अपने ही दूध है लगा हुआ। तो चीनी को हम डाल देते हैं इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि चीनी हमारा गल जाए। और इसे हम देखिए कैसे करेंगे वो वीडियो पर बने रहें। और गैस को ऑन कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चीनी हमारा पूरा मेल्ट हो चुका है। अभी हमें और इसे पकाना है और चलाते चलाते हम इसे फिर से चीनी के जैसा कर देंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तिगार जो है अब बन चुकी है और हमें चलाते चलाते इसे ठंडा कर देना है। तो बिल्कुल देख सकते हैं, चीनी डाले थे और फिर से चीनी बनने लगी है। गैस को कर देंगे बंद और इसे चलाते चलाते ठंडा कर लेते हैं, तब आप लोगों को दिखाते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल ही परफेक्ट बना है। इसी तरह आप भी बनाएं। यदि आपके पैने में सट जाए ये जो तगार, तो आप एक चम्मच घी भी डाल सकते हैं इसमें। इस ढेले को अच्छी तरह से फोड़ लें तभी हम डालेंगे। और यदि आप बड़े बड़े ढेले हो जाए तो आप मिक्सी जार में ग्राइंड कर लें। देखिए, हम अच्छे से तवार को मिक्स कर लिए हैं और हम थोड़ा सा तवार रख लेते हैं एक कटोरी में। थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा रखे हैं ताकि ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लें। इसी में हम खोया को डाल देते हैं और ये इलायची जो पाउडर है उसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। और हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तगार, खोआ और इलायची का पाउडर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। अब इसको आप कोई भी तरह की शेप दे सकते हैं, गोल, चिट्ठा। तो चलिए पेड़ा बनाना शुरू करते हैं। और आप यदि हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और जल्दी से लाइक कर दें। देखिए, हम इस तरह से शेप दे रहे हैं, इसे बना बना के रख लेते हैं। सारे को हम एक आकार का शेप दे चुके हैं। अब इसे हम
भुरा रखे थे जो तगार, उसके ऊपर आप लपेट सकते हैं या नहीं भी लपेट सकते हैं, तो उसमें हम लपेटेंगे। तो चलिए पकड़ के कर लेते हैं। देखिए हम कुछ में भूरा लगाएं और भूरा आपको थोड़ा मोटा लग रहा है, तो मैं जो होता है करछी से ही उसे मतलब बारीक करी थी, मैं मिक्सी जार में ग्राइंड नहीं की थी। तो आप मिक्सी जार में ग्राइंड कर लीजिएगा, थोड़ा सा ही मेरा मोटा हो गया था ना। तो देखिए कुछ में मैं यहाँ भूरा लगा दी हूँ और ये इधर देखिए कुछ प्लान रखे हैं। और दोस्तों ये घर का खोया है, घर का खोया जो गाय का होता है वो लाल कलर का आता है, जो बाजार में आपको मिलेगा वाइट कलर का, उस तरह नहीं। और इसे है जब मैं हाथ में बना रही तो हाथ में देख सकते हैं कितना घी लग चुका था। तो इस तरह का वीडियो है कि आप लोग भी ज़रूर बनाएं और खाएं, एंजॉय करें। और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को थैंक यू। अगले वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय, टेक केयर।